की ये है कि जनाब भारत अकलियतियों के लिए खतरा है, भारत अकलियतों के लिए खतरा है। ये बहुत बड़ी खबर है जो कि रिपोर्ट की है जनाब। मजहबी आज़ादी में कई दर्जे नीचे मोदी हुकूमत ने मुसलमानों और दीगर अकलियतों के खिलाफ मुहिम चलाई। अमरीकी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के मस्बत इकदाम का एतराफ किया गया है, ये हमारे लिए खुश आइन बात है। और मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने, मुतनाज़ा शहरियत और बाबरी मस्जिद से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद बाइस तशवीश में ममालिक में शामिल है। इस हवाले से अगर ये अमरीकी कमीशन की महकमा खारजा की खिलाफ वर्जी में मुलविस भारतीय इदारों और अहदेदारों पर पाबंदी की सिफारिश भी की गई है। पाकिस्तान CPC ममालिक की फहरिस्त में बरकरार है। नाइजेरिया, रूस, शाम और वियतनाम भी तशवीशनाक के 22 ममालिक में शामिल हैं। कि ये क्या मामलात हो रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है उस पर अमरीकी रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है कि भारत अकलियतों के लिए ख़तरनाक है, कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, भारत के खिलाफ आई है और ये पाकिस्तान के मस्बत इकदाम का एतराफ़ इस रिपोर्ट में किया गया है। तो ये हमारे लिए बींगा पाकिस्तानी बींगा मुसलमान एक खुश आइन बात है और हम इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट भी करते हैं और खुशी भी महसूस करते हैं कि भारत की जो बर्बरियत और दरिंदगी पिछले अरसे से जो है वो सामने आई है उससे अल्लाह ताला ने जो है वो हमें सुरखरू किया है। और मुसलमानों पे होने वाले मजालिम जो मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ भारत की वजह से और इसराइल की वजह से किए जा रहे हैं, उस हवाले से जो है वो अमरीका ने इस चीज को तस्लीम कर लिया है। इसके अलावा जनाब